और यार अब बारी है मेरे सबसे ज्यादा महंगे और सबसे ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट की। तो यार फाइनली रूम मेकओवर वाला वीडियो आ चुका है। एंड पता है इस वीडियो पे लगभग 2 हफ्ते से बहुत ज्यादा मेहनत चल रही थी, मतलब कि रोज मैं थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था इस पे। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं आज के दिन बैठा और आज ही मैंने सारे प्रोडक्ट्स देख लिए, मंगा लिए, आ गए, खोला, अनबॉक्सिंग किया, एडिट किया, ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ना ही 2 दिन में हुआ, इसको 2 हफ्ते लग गए। एंड बाकी की बात है हम पूरा वीडियो खत्म होने के बाद करते, लेकिन सबसे पहले तुम ये पूरा वीडियो इंजॉय करो। तो अभी सबसे पहले हम लोग इस बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे। एंड इसके अंदर एक छोटा सा टेबल है जो कि आपने शायद एस्थेटिक टेबल बहुत जगह देखा होगा, आपका पता नहीं लेकिन मैंने बहुत जगह देखा था। तो मुझे कब से लग रहा था कि मुझे ये मंगाना चाहिए, लेकिन वही बात है कि इसको रखूंगा कहाँ पे, मेरे पास उतनी जगह नहीं थी। पर अभी फाइनली मुझे एक कोना मिल चुका है तो मैं वहां पे इसे लगा के डाल दूंगा। तो पहले इसे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। चेक मारो यार, इसके साथ डांडिया भी मिला है गरबा के टाइम पे खेलने के लिए। नहीं यार मस्ती कर रहा हूँ, एक्चुअली ये डांडिया जो है इस टेबल के अंदर सॉकेट दिया है, उसके अंदर लग जाएगा। और ये टेबल और इसके साथ साथ ये जो डांडिया है दोनों एक साथ ही आए थे और इसका प्राइस अराउंड 400 रुपीज़ है। एंड इसको मैं इस कोने में लगा दूंगा। क्वालिटी वाइज देखा जाए तो इसकी क्वालिटी अच्छी है 400 रुपीज़ में। एंड हाइट में बहुत छोटू सा है एंड इतना हाइट मैंने एक्सपेक्ट किया था। बाकी अब बारी है सेकंड पैकेज की। तो इस पैकेज के अंदर है कुछ फ्रेम्स, ये फ्रेम्स भी मैंने कोई कोई वीडियोस में देखे थे। एंड इस फ्रेम की प्राइस भी अराउंड 400 to 500 है, ये 4 फ्रेम मिलेंगे। एंड अगर मैं क्वालिटी वाइज बोलूँ ना, टू बी ऑनेस्ट, तो क्वालिटी मुझे उतनी ज़्यादा वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं लगी, क्योंकि फ्रेम उतना ज़्यादा मुझे मजबूत नहीं लगा। पर आई गेस 400 to 500 में 4 फ्रेम्स में और तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। तो फ्रेम को रखते हैं साइड में, इसे मैं बाद में लगा लूंगा। अभी अपन थर्ड पैकेज खोलते हैं। एंड इस पैकेज के अंदर एक वास है और एक क्रीपर है, आई मीन 4 सेट है क्रीपर्स के, क्योंकि जहां पे मुझे लगाना था उसकी लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो इसीलिए मैंने लेंथ के हिसाब से 4 मंगाए। एंड टेंशन मतलब इन सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको लेना होगा तो आप लोग डेफिनेटली ले सकते हो। एंड जो जो प्रोडक्ट मुझे लगेगा क्वालिटी वाइज सही है वो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, एंड जो क्वालिटी वाइज सही नहीं लगेगा उसे मैं मना कर दूंगा भाई। चलो वो सब तो ठीक है, अभी अगली चीज जो मैंने मंगाई थी वो है ये डोनट। एंड क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है एंड प्राइस अराउंड 550 to 600 इसकी प्राइस है। तो ये भी रिकमेंडेड है, आप चाहो तो ले सकते हो। साइज में बहुत छोटू सा है एंड इसके अंदर लगाने के लिए कुछ तो फेदर टाइप कुछ तो होता है, मैंने वो भी मंगाया है। एंड ये है वो फेदर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और मैंने तो हाइट मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, एक्चुअली मैंने हाइट इसकी देखी ही नहीं थी, पता नहीं कहीं पे मेंशन किया होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना बड़ा फेदर भाई, मेरा डोनट तो इसके सामने कुछ नहीं भाई, आई मीन जो डोनट मैंने मंगाया वो। तो आई डोंट थिंक कि मैं इसे रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। एंड कितना लाइक इसके जो फेदर्स है ना वो बहुत ज़्यादा इजीली झड़ जा रहे हैं, मतलब ये देखो ना भाई पूरा फैल चुका है, ये सच अ फेदरलेस बिहेवियर। तो इसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा एंड इसे मैं अभी रिटर्न कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो इसे लगा के रखूंगा अब जब तक आए, फिर जब दूसरा आ जाएगा तब इसे हटा दूंगा। उसके बाद अब मैंने एक और अलग टाइप का क्रीपर्स मंगाया था, वो जो क्रीपर्स था वो तो लाइक लंबा सा था, ये एक हैंगिंग टाइप का क्रीपर है एंड इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी यार, ये एक्चुअली 400 रुपीज़ का कुछ तो एक है खाली। तो मैंने 2 मंगाए हैं तो 400 रुपीज़ के मुझे दोनों पड़ गए, पर क्वालिटी वाइज देखे तो अच्छा है, लेकिन वही है कि 400 थोड़ा ज़्यादा ही है। पर मैंने ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स चेक किए ना, तो घूम फिर के प्राइस सबकी सेम ही आ रही थी, तो आई गेस इसकी प्राइस इतनी होती होगी, पर लगाने में ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। और अब अगली ये जो चीज़ है इसका नाम एक्चुअल में मुझे नहीं पता है इसको क्या बोलते हैं, पर ये कुछ शेल्फ्स टाइप का है एंड अच्छा दिख रहा है। इसमें और भी अलग अलग वेराइटी थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लड़कियों टाइप का हो जा रहा था, इसलिए मैंने ये सिंपल वाला ही शेल्फ्स मंगाया, इसमें अलग अलग डिजाइन के भी थे एंड इसका प्राइस अराउंड 900 रुपीज़ है। तो इसको जो भी बोलते होंगे मुझे नहीं पता, बस मैं अपने क्रीपर्स वगैरह इसमें लटकाने वाला हूँ। एंड मेरे घर वाले इसको झूला झूला बोल के मेरी बेइज्जती कर रहे थे कि ये क्या झूला मंगाया है,
पर अब ठीक है भाई, मैं क्या ही समझाऊंगा उन्हें। एंड इसको मैं कोई खेले से नहीं लटकाने वाला हूँ, इसके लिए मैंने एक हुक मंगाया था। ये हुक भी भाई 50-50 रुपीज का एक पड़ा था एंड मुझे दो ही लेना पड़ा बिकॉज ये दो के सेट में ही आ रहा था। पर कैसा था कि मुझे थोड़ा मजबूत वाला ही चाहिए था, अगर वीक रहता तो वो कैसे गिर जाता। ओके, तो अब बारी है अपने फ्रेम्स लगाने की। इसके लिए भाई बहुत ज्यादा मेजरमेंट लेके बहुत मगजमारी करनी पड़ी थी, क्योंकि कैसे अगर तुम अगल बगल में लगा रहे हो ना, तो अगर ज्यादा गैप कहीं पे हो जाएगा, कहीं पे कम गैप हो जाएगा, कहीं पे टेढ़ा हो जाएगा, तो वो बहुत अजीब सा लगता है। इसलिए पूरा स्केल से बाउंड्रीज की मेजरमेंट ली, हर चीज़ की मेजरमेंट ली एंड मैंने इसको इस कॉर्नर पे लगाने का डिसाइड किया, क्योंकि ये कॉर्नर पूरा खाली था एंड जितनी स्पेस अवेलेबल थी इसमें मैं थोड़ा फैला के लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रेम्स भी इसमें नहीं भर रहा एंड बहुत कम भी नहीं भर रहा, चार परफेक्टली इनफ है इस स्पेस के लिए। एंड ये जो भी मैंने शेल्फ या फिर झूला जो भी मंगाया था, इसको मैं इसी के साइड में इधर टांग रहा हूँ एंड इस पे लटका दूंगा मैं जो भी क्रीपर्स मैंने मंगाया था महंगा वाला, वो इधर लटका दूंगा। एक्चुअली कैसा है कि मैंने जो अपने स्टडी टेबल के उधर क्रीपर्स लगाए थे ऊपर वाले रॉड पे, तो मैंने यहाँ वाले रॉड पे भी वो क्रीपर्स लगा दिए, तो कैसा एक ग्रीन ग्रीन सा एनवायरनमेंट हो गया एंड मेरे पूरे रूम का मैंने एक मतलब वाइट और ग्रीन वाला एनवायरनमेंट रखा है, ताकि थोड़ा लाइक ग्रीन जो कलर होता है ना वो अच्छा लगता है बहुत, ऐसे आँखों को बहुत कंफर्टेबल रहता है ये कलर, इसीलिए मैंने ग्रीन कलर का ही थीम रखा है। एंड अगर ग्रीन कलर का थीम है तो बस यही सब पेंटिंग्स में पत्ते होने चाहिए, पेड़ होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ मैंने मंगा ली। और साथ ही में इसके ऊपर रखने के लिए मैंने ये कुछ प्लांट्स मंगाया, आर्टिफिशियल प्लांट्स, एंड ये बहुत छोटू छोटू से, यार मुझे लगा नहीं था कि इतने ज़्यादा छोटे होंगे। और अब आ रही है अपने अगले पेंटिंग की। हाँ भाई, मैंने इतने ज़्यादा पेंटिंग मंगा लिए तुम लोग ऐसे सोच रहे रहोगे ना, लेकिन जो ऊपर वाली दीवार है ना वो खाली है एंड मैंने इधर पत्ते वत्ते तो बहुत लगा दिए। देखो अब थोड़े से मोटिवेशनल कोर्स भी हो जाए ना, तो स्टडी रूम एग्जैक्टली स्टडी रूम लगता है ना, इसलिए मैंने मोटिवेशनल कोट्स थोड़े से मंगा लिए। इसकी प्राइस अराउंड 400 रुपीज कुछ तो है चारों फ्रेम के लिए एंड इसकी क्वालिटी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब पिछले वाला जो मैंने मंगाया था उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जो फोटो की क्वालिटी है ना वो मुझे उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं लगी। पर वैसे भी इसको हम लोग दूर से देखने वाले तो उतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसके पिक्सल्स दिख रहे हैं लेकिन दूर से पिक्सल्स उतने ज़्यादा विजिबल नहीं होंगे। एंड जो कोट्स लिखे हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, तो अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने मंगा लिया ये भी। इसको भी भाई बहुत ज़्यादा मेजरमेंट लेके मगजमारी करके लगाना पड़ा था, थोड़े से आड़े टेढ़े हो गए थे तो उसको दोबारा से निकाल के फिर एडजस्ट किया मैंने, लेकिन अभी भी थोड़ा सा डिफरेंसेस है लेकिन दूर से उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। अब बारी है मेरे सबसे ज्यादा महंगे और सबसे ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट की, मतलब कि मैं ना इसे बहुत सालों से मंगाना चाह रहा था लेकिन ये इतना ज्यादा महंगा था एंड इसको रखने के लिए मेरे पास प्रॉपर जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लिया, लेकिन अभी फाइनली वो टाइम आ चुका था इसको लेने का। जब तक मैं इसे खोला तब तक तुम लोग गैस मारो इसके अंदर क्या है। एक हिंट देता हूँ, सारे एनिमे फैंस को ये चीज चाहिए होती है, तो मुझे तुम्हारा तो पता नहीं तुमने गेस किया होगा या नहीं, लेकिन इसके अंदर है एक एक्शन फिगर, वो भी रोरोनोवा जोरो का एंड वो भी उसके स्पेशल मूव 3 सॉर्ड स्टाइल का। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड मेरे को बाकी सारी चीज़ों में ना यही चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर लगी है एंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। इसकी प्राइस 1700 रुपीज़ है भाई, तो ऐसे देखने में लोगों को लगता होगा कि भाई एक्शन फिगर में इतना क्या महंगा है, लेकिन भाई मैंने और चेक कर रहा था ना जब प्राइस, तो 30-30 हज़ार के भी एक्शन फिगर थे भाई साहब। इतने में तो पूरा आदमी आ जाए भाई, जितने में एक एक्शन फिगर आ रहा है। पर जो भी हो यार, एक एनिमे फैन के लिए चल जाएगा इतना प्राइस भी। एंड मैं तो सोच रहा हूँ अभी कि और एक दो मंगा लूँ अपने शेल्फ पे रखने के लिए एंड अपने जोरो की पोजीशन तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा टॉप पे होगी, तो इसको मैं अपने शेल्फ पे सबसे ऊपर रख रहा हूँ। एंड मेरे पास थोड़ी सी जगह और बची है, तो आई डोंट नो, मैं शायद वहाँ पे भी थोड़े बहुत एक्शन फिगर्स लगा लूँगा, पर वो बात की बात है, फिलहाल के लिए मेरा यही फाइनल रहेगा। एंड एक बोनस अनबॉक्सिंग क्लिप आप लोगों के लिए एंड मेरे लिए भी, बिकॉज ये चीज़ मैंने नहीं मंगाया, ये मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने गिफ्ट किया है। सब्सक्राइबर यानी कि मेरा गिव अवे का जो विनर था पिछला वाला, उसने गिफ्ट किया है मुझे एंड भाई का नाम है राधे। तो यार भाई थैंक यू सो मच इस गिफ्ट के लिए। ऐसे तो मुझे गिफ्ट व्यूट उतने ज़्यादा पसंद नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं ऐसे जनरली सबसे गिफ्ट नहीं लेता एंड हाँ, ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और इसके लिंक मैं ऑब्वियसली नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास नहीं है इसका लिंक। यही था
था मेरा रूम मेकओवर। एंड पता है ये वाला वीडियो इतना लेट क्यों आ रहा है, मतलब कि मैं यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 5-6 महीने से था एंड व्यूअरशिप भी तभी से आ रही थी, लेकिन तभी से मैंने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि स्टार्टिंग में मेरी उतनी ज्यादा अर्निंग नहीं थी। फिर जैसे जैसे मुझे थोड़ा बहुत अर्निंग होने लगा यूट्यूब से, तो मैंने सोचा कि अगर मैं आप लोग से अर्न कर रहा हूँ तो आप लोग के लिए वीडियो अच्छा दिखने के लिए इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकता हूँ, इसलिए मैंने फाइनली जाके ये सब इन्वेस्टमेंट की। सो या सबसे बड़ा थैंक यू आप लोगों के लिए वीडियो देखने के लिए, फॉलो करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड आई होप कि आपको ये वाला वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते सीधा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, आपसे पढ़ाई चालू कर दो। बाय।